हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो, कई लोगों का कन्फ्यूजन है कि भैया जो ये अपने प्लान शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पे, उसको कैसे फॉलो करना है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको कोई टारगेट दे रहा हूँ और उसको अल्टीमेटली बिना विदाउट एक्सप्लेनेशन आप शायद नहीं समझ पाओगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस टारगेट को कैसे फॉलो करना है उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को, कि जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं आपको एक्सेल सीट प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली, उसको कैसे आपको पढ़ना है, एक्चुअली में फॉलो कैसे करना है उसका, क्या क्या आप जो मैंने कुछ लिखा है वहाँ पे वर्ड, उसका क्या मतलब, वो वाली चीज़ मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से उसको फॉलो कर पाओ। देखो, ये जो ये ऊपर वाला है ना, ये डे वन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इतना सा पोर्शन मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे डे वन का आज मैंने थोड़ा सा डेमो शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, आगे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा जो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। डे टू, डे थ्री, ये एक साथ मैं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं वन बाय वन शेयर करूंगा। एक दिन ये शेयर करूंगा, नेक्स्ट डे ये करूंगा, थर्ड डे ये करूंगा, क्योंकि अगर आपको एक साथ मैं तीन तीन चार चार दिन का शेयर कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है मैं इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर दूँ कि वीक में एक बार दे दिया इतना कुछ लिख के, तो शायद आप फॉलो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इसको डे वाइज ब्रेक कर रहा हूँ। देखो, एफर्ट लगता है इस चीज़ में, आप अगर इसको फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी है बहुत अच्छा स्कोर आपके आने की। ऐसा नहीं है कि आप इसको फॉलो भी नहीं करो और सब कुछ आपको वैसे ही मतलब सपनों में हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा आपको इसको रिगरसली फॉलो करना पड़ेगा। पहले दिन क्या चीज़ है, यहाँ तो आएंगे अपने डे, जैसे 75 डेज है, इसमें ये डेट में डाल दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये डे टू हो गया, डे थ्री हो गया, है ना। तो ये वाला मैंने अभी फॉलो कर दिया, शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर, फिर से रिवाइज शेयर करूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें मैंने बाद में अपडेट करी है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1/2 का मतलब है ये पार्ट तो टोटल पार्ट्स है इसके, और ये पहला पार्ट है ना। जैसे कि ये तो दो पार्ट्स है इसके, जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम के तीन पार्ट्स है, तो पहले दिन हम पहला करेंगे, दूसरे दिन दूसरा करेंगे, तीसरे दिन तीसरा करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20, जहाँ पे भी ये नंबर लिखा हुआ है 30 क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन एक ही दिन में निपट रहा है, मतलब वन बाय वन, ये कंप्लीट चैप्टर है। जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है वो यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर लिखा हुआ है, जो कि मैंने अब चेंज कर दिया था क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने वो चीज़ चेंज कर दी। उसके बाद ये है, ये दिए हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग में टाइप भी मैंने यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। देखो, घर पे हूँ मैं, वैसे तो दूर है ट्रेन मेरे घर से, लेकिन इसकी आवाज़ आ रही है क्लियर, बिकॉज बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है, एकदम शांत मौसम हो रखा है, इसकी वजह से इसकी आवाज़ आ रही है। तो मैं तो क्या सॉरी बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वैसे तो ट्रेन तो हमेशा आती नहीं रहेंगी ना, आ गई बस चली गई। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द डिवीजन ऑफ ए नंबर, ये टाइप आपको देखने पड़ेंगे। ये मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, मैं वो बता देता हूँ, मैं उठा रहा हूँ किरण की एक बुक आती है चैप्टर वाइज टाइप वाइज, वहाँ से उठा रहा हूँ। तो आप उस बुक के इंडेक्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप वो बुक खरीद रहे हैं या उससे कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसके इंडेक्स डाउनलोड कर लें तो आपको थोड़ी सी बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, दैट इज अप टू यू, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि यही खरीदो, बट मैंने जब तैयारी करी थी यही बुक करी थी मैंने, चैप्टर वाइज टाइप वाइज, दुनिया भर यही कर रही है, तो ये अच्छी बुक लगती है मेरे को, तो आप ये ले, इससे करना है और इसमें करोगे तो ये फॉलो करने में और भी आसानी रहेगी। वैसे ही पॉलिटी में 1/4 है, मतलब एक पहला पार्ट है, टोटल 4 दिन है। पहले दिन क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों आया कॉन्स्टिट्यूशन, कमेटी कौन कौन सी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी, उनको पढ़ना है। नो क्विज, मतलब इस दिन कोई भी क्विज नहीं है, कोई भी मॉक नहीं है। अब नेक्स्ट डे हम चलेंगे तो टेंस को पूरा कर लेंगे, 2/2 हो गया, उसके 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज मतलब 10 से 15 मिनट से 20 मिनट हमें लास्ट डे के लिए देना है, ठीक है। उसके बाद सेम डायरेक्शन डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं, जो नोट क्या क्या है इसका मतलब वही समझा रहा हूँ। ये रिवीजन मतलब लास्ट डे रिवीजन आपको निकालना है, और ये बिना करे अच्छे मार्क्स नहीं बनेंगे। हम पढ़ते जाएंगे लास्ट का बोलते जाएंगे, देर इज नो पॉइंट इन रीडिंग स्टडिंग, आपको रिविजन मस्ट है, ठीक है। ये जो है ना, ये अभी जैसे 3 दिन का मैंने एक साथ लिख दिया, तो पॉसिबल नहीं है कि डेली में मतलब अभी दिखाऊं कैसे आपको, बट ये मैं चेंज करता रहूँगा। जैसे मान लो कि आज मैंने मैथ्स में थोड़ा सा एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, या फिर थोड़ा सा ऐसा हार्ड कोई चीज़ दे दी, तो यहाँ पे हो सकता है मैं 3 घंटे लिखूँ और आपको मिलेगी रीजनिंग 1 घंटे उस दिन, तो थोड़ा सा ट्विक ऊपर नीचे चलता रहेगा। मेक टाइम टेबल फॉर 8 आवर्स, ये टोटल 8 घंटे मैं डेली रखने वाला हूँ, इसका टाइम टेबल अच्छे से आप बना के रखना अपने एंड पर, ठीक है।
ब्लड रिलेशन यहाँ पे खत्म कर दिया, उसके नेक्स्ट डे क्विज आ गई। जरूरी नहीं है सेम डे भी आ जाएगी, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स आज ही पढ़ा हमने, उसी दिन ये फंडामेंटल राइट्स की क्विज करनी। अब बोलेंगे वो क्विज कहाँ से लगाओ, क्विज के लिए टेस्ट बुक आप यूज कर सकते हैं, कोई और ऐप है आपके पास तो वो यूज कर सकते हैं। सिंपल गूगल पे लिखना फंडामेंटल राइट्स क्विज, बस इतना सा लिख देना, फंडामेंटल राइट एमसीक्यू क्विज लिख देना, ठीक है। क्विज तो वैसे वही होती है बट एमसीक्यू लिख देना, बढ़िया आएंगे आपको वो लग आएंगे, आपको वो लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ, डायरेक्शन डिस्टेंस क्विज एसएससी क्विज लिख देना, नंबर सिस्टम एसएससी क्विज लिख देना, टेंस लिख देना, डीपीएसपी लिख देना, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। टेस्ट बुक ने अपने सेक्शनल क्विज में भी ये बना रखा है, तो आपको थोड़ी सी ईजी रहेगी और आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके पास टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होगा ही होगा, मेरे को पता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने समझा दी, डे वन डे टू डे थ्री सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और अब हम आगे चले हैं। आगे चलें तो अच्छा, ये टेस्ट बुक का ही है, टेस्ट बुक वाली काफ़ी क्विजेज मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ, तो आप ये वाला सब्सक्रिप्शन लें टेस्ट बुक का, 351 रुपये में भी मिल रहा है, टेस्ट बुक पास प्रो है। इसमें क्या है, सेक्शनल क्विजेज भी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज क्विजेज भी इनने डाल रखी है, फुल मॉक भी पीएक्यू के डाल रखे हैं, न्यू मॉक भी इनमें डाल रखे हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, तो आप लें। ये वाली अभी सेल चल रही है, पावर प्ले सेल, आप शायद फाइनल है इसकी वजह से पावर प्ले सेल लगा रखिए, मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना टू, और इसके साथ आप क्विजेस लगाते रहोगे तो काफ़ी अच्छा आपका स्कोर बनेगा। और ये देखो देखो, नंबर सिस्टम के सारे टाइप यहाँ पे कवर हो गए, तो इसमें मैंने कुछ लिख रखे हैं, कुछ इसमें लिख रखे हैं, कुछ इसमें लिख रखे हैं, तो ये पार्ट मेरे पे आप छोड़ दो कि कैसे सिलेबस होगा, एक एक चीज़ नहीं कराई तो मेरा नाम शंकर सेजमा नहीं, देखो शंकर सेजमा यहाँ लिख दो, इतना अच्छा नाम, और क्या है, सॉरी एक मिनट, उसके बाद यही डायरेक्शन डिस्टेंस में मैं टाइप वाइज यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। नाउन प्रोनाउन देखो इंग्लिश में क्या है ना, पूरा चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद जैसे मान लो पहले दिन टेंस कर लिया, तो दूसरे दिन जो करोगे ना, तो थोड़े से ट्राई कर लिया, 30 क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें थोड़े से मिक्स भी कर लिए, मिक्स मतलब पहले दिन के भी प्रैक्टिस कर लिए, ऐसे करके आपको शुरू में मैं बिना मॉक के लेके चलूंगा, फिर उसके बाद 3-4 चैप्टर के एक साथ क्विज सजेस्ट करूंगा, और मैं क्या करूंगा टेलीग्राम चैनल पे इन क्विजेस की लिंक भी शेयर कर दूंगा। मेरे को कोई अच्छी क्विज मिलेगी इसी दिन तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक डालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे शेयर करते जाऊंगा आपको, और मेरे को क्या है मैं किसी की भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके अपना क्विज देना और मजे करना, ठीक है। ये सेल आप चल रही है, ज़रूर लें, इसका तो बहुत यूज़ करने वाला हूँ मैं। आप टेस्ट बुक का पास लोगे, वहाँ से क्विजेस के लिंक शेयर करूँगा, तो अपने आप आपके पास वहाँ पे खुल जाएगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे साइन इन और परचेज का आपको बोलेगा मोस्टली। उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, आप ये ज्वाइन करें, ये थोड़े से पुराने सब्सक्राइबर शायद अब तो बढ़ गए होंगे, अभी तो 47 के ऊपर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने अभी स्टडी टारगेट करा है, तो ये वाली लिंक है, इससे जाएं या मिस्टर ट्यूटोरियल सर्च कर लेना, ये वाली फ़ोटो आएगी, 46 प्लस के अगर कोई सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो वही ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम ये है, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं मैसेज का रिप्लाई करता हूँ अगर मुझे अर्जेंट कोई मैसेज लगता है। तो कोई ऐसे बोलता भैया क्या हाल आपके, क्या आपने डिनर कर लिया, आपने लंच कर लिया, वैसे वाले मैसेज में देख के छोड़ देता हूँ, रिप्लाई नहीं करता, इसलिए बुरा मत माना। अगर समथिंग इज अर्जेंट यू कैन रीच मी आउट ऑन मिस्टर टूटल्स, यहाँ पे भी ये आईडी है, सेम आईडी है सब जगह, आप ये सर्च करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और लेस इट स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फुल प्लेस फ्रॉम 1 जुलाई, और हम फोड़ने वाले हैं अपने इस ग्रुप से कम सीजीएल के 17,000 में मुझे 2 से 3,000 बच्चे फाइनल लिस्ट में चाहिए, प्रीलिम्स के इसमें हम पोल करेंगे, हर चीज़ का क्विज करते फीडबैक लेते चलेंगे, और सबसे अच्छा टाइम टेबल अपने यहाँ पे रखने वाले। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।